देश भर की सारी खबर, हर खबर उतरेगी सच्चाई की कसौटी पर। खबर हो राजनीति की या बॉलीवुड की, खेल की या क्राइम की, हर पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए जल्द आ रहा है यूपी लाइव 100 न्यूज 24/7 खबर आप तक। अलविदा की नमाज, अल्लाह ऐसा ही बख्शीश के लिए, नम हुई आंखें जरवल बहराए चीत के आने की खुशी नहीं है, मुझे माह ए रमजान के जाने का गम है, मुझे अलविदा अलविदा ए माह ए रमजान, अलविदा रमजान उल मुबारक के आखिरी जुमा, अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को जरवल नगर की तमाम मस्जिदों में भारी भीड़ रही। खुदा की बारगाह में पहुंच जहां लोग नम आंखों ऐसे ही अपनी बख्शीश की दुआ मांग गई, वहीं मुल्क में अमन अमान के लिए दुआएं खैर पढ़ी। शुक्रवार को जिले के शहर ऐसे ही लेकर गांव कस्बों की मस्जिदों में अलविदा की नमाज बड़ी ही अकीदत के साथ अदा की गई। सुबह होते ही हर मुसलमान जुमातुल विदा की नमाज की तैयारी में लग गया था। रमजान माह का आखिरी जुमा होने के कारण नमाज का वक्त होते होते बड़ी तादाद में लोग मस्जिदों में पहुंचे, जहां मस्जिदें रोजेदारों की तादाद के सामने छोटी पड़ गई। इस पाक माह के विदा होने का गम हर रोजेदारों के चेहरों पर साफ छलकती दिखी। हर किसी की आंखें रमजान उल मुबारक के विदा होने के एवज में नम रही। इबादत के जज्बे ऐसे ही लबरेज रोजेदारों की तादाद मस्जिदों की तरफ रुख किए हुए बढ़ती रही और बड़ी ही अकीदत के साथ जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई। नगर के हिरा मस्जिद, जामा मस्जिद, तकिया मस्जिद, चौक मस्जिद, हमजा मस्जिद, एक मीनारा मस्जिद समेत गांव कस्बों की मस्जिदों में अलग अलग वक्त पर नमाज अदा की गई। अलविदा की नमाज को लेकर नगर में पढ़ने वाली मस्जिदों के आसपास साफ सफाई के साथ चूना का छिड़काव किया गया था। नमाज में किसी प्रकार की खलल पैदा न हो इसके लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा चौकसी बढ़ा रखी थी। कैसरगंज क्षेत्रीय अधिकारी त्रिवेणी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि रमजान उल मुबारक के आखिरी जुमा अलविदा की नमाज में पढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए क्षेत्र में कड़ी चौकसी रखी गई है। उन्होंने बताया कि जहां जहां नमाज अदा की जाएगी वहां पुलिस फोर्स मुस्तैद रही, जिससे कि किसी की नमाज में खलल पैदा न हो।